हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए कैप तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ प्लास्टिक के रिंग लिया हुआ है। इसकी जो डायमीटर है वो 1.25 इंच की है। आप इस तरह के प्लास्टिक के कैप ले लें। 6 नंबर वाइट मोती आर्टिफिशियल डायमंड शेड चाहिए हमें। इस तरह की गोल्डन कैप चाहिए या सिल्वर रेशम धागे चाहिए हमें। आप किसी भी कलर के ऊल को ले सकते हैं। हमने यहाँ दो कलर के ऊल को लिया हुआ है। ग्लू चाहिए, सीजर चाहिए और हमें गोटा लेस चाहिए होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें और पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऊल के या लंबे पीस कट कर लें और यहाँ इस तरह यहाँ ग्लू लगाते हुए आप पूरी रिंग में इसे इस तरह लपेट लें। पूरी रिंग में लपेटने के बाद यहाँ हमें गोटा लेस को यहाँ पेस्ट करनी है। इस तरह हमने यहाँ तैयार करके रखा हुआ है। और ब्लू कलर के ऊल से आप थोड़ी लंबी कट कर लें और ब्लू कलर के ऊल से यहाँ आप डालते हुए ग्लू लगा लें और ग्लू लगा के यहाँ डालते हुए इस तरह इसे कवर करनी है हमें पूरी राउंड। कवर करने के बाद ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो आप इस तरह तैयार करके रखें। अब गोल्डन कैप लें। आर्टिफिशियल डायमंड शीट के हमने यहाँ सिंगल लाइन कट करके रखा हुआ है। आप सिंगल लाइन इस तरह कट करके निकाल लें। सबसे पहले ग्लू लगाएं ऊपर की ओर और यहाँ इस तरह रखते हुए एक उंगली से आप यहाँ दबाएं और पूरी राउंड लपेटते जाएं। इसे आप कुछ देर सूखने दें या इस तरह आप तैयार करके रखें। यहाँ आर्टिफिशियल डायमंड शीट के सिंगल लाइन लें और यहाँ ग्लू लगाते हुए यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ इस तरह आप इसे पेस्ट करके सूखने दे कुछ देर। अब लटकन तैयार करेंगे। लटकन के लिए हमने यहाँ सिल्वर धागा लिया हुआ है रेशम का। इसमें 6 नंबर वाइट मोती को डाल दें। 6 पीस या 7 पीस आप वाइट 6 नंबर मोती को आप डालें। अब यहाँ एक एक मोती को एक इंच के लगभग इस तरह आप पकड़ते जाएं। यहाँ इस तरह आप पकड़ लें, यहाँ धागा लें और नॉट लगा लें। यहाँ इस तरह लटकन तैयार कर लें। पोलन को ले लें सजाने के लिए या फिर आप पीकॉक फेदर ले लें। यहाँ इस तरह हमने इसे बैंड कर लिया है। इस तरह आप बैंड करके यहाँ इस तरह हमने इसे मोड़ कर रखा हुआ है। अब यहाँ पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इस तरह आप यहाँ अंदर की ओर ग्लू लगा के लटकन को पेस्ट करें पहले। अब यहाँ इस तरह यहाँ ग्लू लगाएं और इस तरह इसे यहाँ पेस्ट कर दें। अब यहाँ पोलन को आप यहाँ इस तरह पेस्ट कर दें और यहाँ ग्लू लगाएं नीचे की ओर। आर्टिफिशियल डायमंड शीट के यहाँ हमने डबल लाइन कट किया है।
इसे इस जगह पे आप लगा लें। यहाँ एकदम ऊपर आप थोड़ी ग्लू लगा के एक 6 नंबर मोती को यहाँ पेस्ट कर दें। लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए हमने यहाँ उलन बैंगल लिया हुआ है। इसकी डायमीटर 1.5 इंच की है। इस बैंगल की जो डायमीटर है वो 1 इंच की है। एक उलन कैप लिया हुआ है, इसमें मोती लगा हुआ है। और एक किस तरह के हमें कैप चाहिए, स्टोन कैप। सबसे पहले आप यहाँ ग्लू लगा लें। यहाँ पेस्ट कर दें इस तरह। और यहाँ सबसे ऊपर आप यहाँ एकदम फ्रंट में एक 6 नंबर वाइट मोती को यहाँ पेस्ट कर दें। अब यहाँ एक मोर पंख भी लगा दें। कैप बनकर तैयार हो गई है। ये 4 और 5 में मल्लडू गोपाल जी को ये कैप आसानी से पहना सकते हैं आप।